साथियों, एक राष्ट्र के रूप में अब ये समय अपने साझा प्रयासों को कई गुना अधिक बढ़ाने का है। ये एक ऐसा समय है जब हम अपने फैसलों को सिर्फ एक साल या पांच साल को देखते हुए सीमित नहीं रख सकते। भारत में एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, एक मजबूत और डाइवर्स वैल्यू और सप्लाई चेन विकसित करने के लिए हर किसी का योगदान आवश्यक है। सरकार अपनी तरफ से निरंतर नीतियां बना रही हैं, पुरानी नीतियों में सुधार कर रही हैं। अभी हाल ही में केंद्र की एनडीए सरकार ने अपने 8 वर्ष पूरे किए हैं। इन वर्षों में हम, जैसा अभी योगी जी बता रहे थे, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ आगे बढ़े हैं। हमने पॉलिसी स्टेबिलिटी पर जोर दिया है, कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर दिया है। बीते समय में हमने हजारों कंप्लायंस खत्म किए हैं, पुराने कानूनों को समाप्त किया है। हमने अपने रिफॉर्म से एक राष्ट्र के रूप में भारत को मजबूती देने का काम किया है। वन नेशन वन टैक्स जीएसटी हो, वन नेशन वन ग्रिड हो, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड हो, वन नेशन वन राशन कार्ड हो, ये सारे प्रयास हमारी ठोस और स्पष्ट नीतियों का प्रतिबिंब है। जब से यूपी में डबल इंजन की सरकार बनी है, तब से यूपी में भी इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। विशेषकर यूपी में जिस प्रकार कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है, उसे व्यापारियों का भरोसा लौटा है, बिजनेस के लिए सही माहौल बना है। बीते वर्षों में यहां की प्रशासनिक क्षमता और गवर्नेंस में भी सुधार आया है, इसलिए आज जनता का विश्वास योगी जी की सरकार पर है। और जैसे उद्योग जगत के साथी अपने अनुभव के आधार पर अभी उत्तर प्रदेश की सराहना कर रहे थे, मैं सांसद के नाते अपने अनुभव बताता हूं। कभी हमने कोई उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन से निकट से नहीं देखा था, कभी मुख्यमंत्रियों की मीटिंगों में लोग आया करते थे तो वहां के एजेंडा कुछ अलग होते थे, लेकिन एक सांसद के रूप में जब मैं यहां काम करने लगा तो मेरा विश्वास अनेक गुना बढ़ गया कि उत्तर प्रदेश का ब्यूरोक्रेसी, उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन में वो ताकत है जो देश उनके पास चाहता है। जो बात उद्योग जगत के लोग कह रहे थे, एक सांसद के नाते मैंने स्वयं ने इस सामर्थ्य को अनुभव किया है, और इसलिए मैं यहां सरकार के सभी ब्यूरोक्रेट्स, सरकार के छोटे मोटे हर व्यक्ति को ये जो मिजाज उनका बना है, इसके लिए बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज यूपी की जनता ने 37 साल बाद किसी सरकार को फिर से सत्ता में वापस लाकर अपनी सेवा की जिम्मेदारी सौंपी।